मेरे हर थंबनेल पर एक अलग से पिक्चर होती है जिसका बैकग्राउंड रिमूव होता है। मैं बहुत ही इजी से कुछ सेकंड के अंदर अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूं और थंबनेल को एक्टिव करके जल्दी जल्दी से एडिट करके अपनी वीडियो पे लगा देता हूं। अगर आप अपने थंबनेल के लिए अपनी पिक्चर को एडिट करने के लिए उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए 1 घंटा लगाएंगे तो सोचिए आप एक थंबनेल को बनाने के लिए कितना टाइम वेस्ट करते होंगे। आपको 2 मिनट के अंदर मैं अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहां पर आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अब जो आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूं, अगर इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करते हो तो आप एक HD क्वालिटी की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहां पर एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है बैकग्राउंड। यहां पर मैं बैकग्राउंड लिखता हूं, बैकग्राउंड इरेजर। तो वो एप्लीकेशन आपके पास खुद ही आ जाएगी बैकग्राउंड इरेजर लिखने के बाद, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब भैया जिसका भी आपने यहां पर बैकग्राउंड को रिमूव करना है उसको यहां से पिक्चर को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपके पास आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सिंपल सा मैं कोई भी पिक्चर को चूज कर लेता हूं, यहां पर इस पिक्चर को चूज कर लेता हूं। आपने क्या करना है, उसकी साइडों को यहां पर क्रॉप कर लेना है। आपने क्या करना है, यहां पर इस पिक्चर को क्रॉप करने के बाद डन कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको मैजिक, ऑटो कलर, रिपेयर और जूम, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बीजी कलर नजर आता है, आपने बीजी कलर पर क्लिक करना है जिससे यहाँ पर जब आप बैकग्राउंड को रिमूव करोगे तो आपको सारा क्लियर से नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैजिक पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने ब्रश का साइज जो है ना छोटा बड़ा कर लेना है। ब्रश का साइज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करते जाना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके बैकग्राउंड को रिमूव करते जाएगा। दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको अपनी पिक्चर को सबसे पहले जूम करना है। जैसे आप अपनी पिक्चर को जूम करेंगे तो तब आप देख पाएंगे कि क्या आपकी पिक्चर में से आपको फेस जो है ना वो तो यहाँ पर रिमूव नहीं हो रहा है, तो आपने रिमूव करके देखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है मैन्युअली, अगर आप मैन्युअली इसको रिमूव करना चाहते हो। मैजिक के जरिए बाज़ुकात ये होता है कि जो हमारी छोटी से छोटी यहाँ पर रिमूव करने वाली होती है ना, अक्सर में वो हमारे फेस को भी यहाँ पर रिमूव कर देती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, मैनुअल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्रश का साइज बड़ा करना है और यहाँ पर आपने उसकी साइडों को इस तरीके से है ना क्लिक करके रिमूव कर देना है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी वेबसाइट जिसकी मदद से आप एक बार में क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को फौरी तौर पे रिमूव कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे है। चलते हैं उस वेबसाइट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब यहां पर आपको एक वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है बीजी। बीजी सिर्फ लिखने के बाद आपके पास वो वाली वेबसाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपने यहां पर बीजी रिमूवर लिख देना है। बीजी रिमूवर लिखने के बाद यहां पर आप देख सकते हो रिमूव बैकग्राउंड वेबसाइट आपके पास ऑटोमेटिकली से आ चुकी है। आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको दोस्तों अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको क्लिक करने के बाद अब जो भी पिक्चर थी आपने यहां पर जिसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है उसको यहां पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डन करना है और यहां पे दोस्तों आपका ऑटो बैकग्राउंड जो है ना रिमूव कर दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। तो यहां पर जो मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है इसकी मदद से आपका रिजल्ट जो है ना इंक्रीज होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से गलती करते हैं अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, लेकिन उनकी PNG का रिजल्ट कम हो जाता है। डाउनलोड करना बहुत ईजी है, डाउनलोड पर क्लिक करना तो ये वाली आपके मोबाइल फोन में गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।